नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में सुनवाई आज। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है मामला। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम आज डायमंड हार्बर और संदेश खाली का करेगी दौरा। कल टीम ने कूचबिहार में पीड़ितों से की थी मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई आशंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात। 24 साल बाद पुतिन की हो रही है यात्रा। शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स ने 77,327 और निफ्टी ने 23,574 के आंकड़े को पहली बार छुआ। और खेल में आईसीसी टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से दी करारी शिकस्त। जीत के साथ ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में किया प्रवेश। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम को प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात को उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9,26,00,000 लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम यानी KSCP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। ये प्रमाणन कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के भी अनुरूप है। अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला ना रहे आखिर से, आज देखत बा कितनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा ताकत बा, हमने बहुत खुश हैला। प्रधानमंत्री आओ तुम किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करियन और किसान सखियन से मिलियन। हाँ, सखियन से मिलियन, बहुत बढ़िया मने तो है उम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं।
ये निश्चित रूप से हम सभी काशी वासियों के लिए हर्ष और उल्लास की बात है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और काशी की जनता उनका स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। 19 जून को प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे। उसके बाद बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पहले स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। वाराणसी से हरिकेश बहादुर और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इसके तहत वाराणसी में सभी तैयारियां पूरी कर हो चुकी हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता हरिकेश ने विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आए विद्यार्थियों से की खास बातचीत। बड़ी सुगमता से सरलता से दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ पैरामेडिकल के छात्र हैं, छात्राएं हैं जो तेलंगाना से आए हैं। आपका क्या नाम है और कैसा रहा आपका दर्शन? एक बात और कि आप सुबह दर्शन कर रहे हैं, शाम को प्रधानमंत्री भी दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छा, बढ़िया लग रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आने वाले दिन पे हमको भी दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा। दर्शन भी बढ़िया हो गया हमारा, बहुत धन्यवाद। ये मंदिर का प्रांगण आपको कैसा लग रहा है? देखने में तो पसंद आ रहे हैं, आंखों के भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपका कैसा दर्शन रहा और प्रधानमंत्री भी शाम को आएंगे दर्शन? अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया सब भी। आपको कैसा रहा प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। उसी दिन वो भी आ रही है, कल भी हमको आरती देते समय बोला था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो खुश था। मान लो शाम को आया देखने तो और भी खुश हो जाएंगे हम लोग। इसका आर्किटेक्चर सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप इनके चेहरे के भाव से समझ सकते हैं कि कितनी खुशी है दर्शन करने के बाद। दर्शन करने के बाद बहुत खुश हो गए हम तो। ये खुशी है, भव्यता है, दिव्यता है काशी विश्वनाथ धाम में। और ये लोग इसलिए भी प्रसन्न है कि आज सुबह इन्होंने दर्शन किया, शाम को प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद शर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और आइए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त वहां मौजूद हैं। शैलेंद्र, यहां पर प्रधानमंत्री अन्नदाता को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, बेहद अहम है किसानों के लिए। और ये जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये वाकई उनके लिए काफ़ी एक बड़े वरदान के रूप में साबित हुई। एक वर्किंग कैपिटल के रूप में किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को साहूकारों से निजात मिलाई। किस तरह से देखते हैं आज के कार्यक्रम की तैयारियां? साथ ही जो किसान वहां मौजूद रहेंगे, जुड़ेंगे देश भर से उम्मीद के साथ, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंच रहे हैं और जिस जगह पर ये सभा जो ये कार्यक्रम रखा गया है किसान सम्मेलन, वहां पर तमाम किसान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद भी कर सकते हैं। पहला ही कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब हम देख रहे हैं कि वो किसानों के साथ संवाद करेंगे और देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी करेंगे। हम जानते हैं कि जो पहला कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद किया था वो इसी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी जो फाइल थी उस पर दस्तखत किया था। तो ये एक संकेत भी है और संदेश भी है कि किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है मोदी सरकार की। और इस कर्म में भी, यानी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देश के किसानों की रहने वाली है। और हमने देखा है कि एक श्रृंखला सी है किसान हित में फैसले की। केवल किसान सम्मान निधि की बात नहीं, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक किसानों के सीधे खाते में जा चुका है, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार उसके लाभार्थी हैं।
बल्कि आप देखिए ड्रोन दीदी के तौर पर जिसका एक्सटेंशन आज आप देखेंगे, कृषि सखी जो लखपति दीदी एक अभियान है, करोड़ों लखपति दीदी बनाना है, मोदी सरकार ने ये बात बार बार कही है, उसके तहत स्किल डेवलपमेंट महिलाओं का हो, वो खेती बाड़ी में या तमाम जगहों पर काम काज कर सके, स्वयं सहायता समूह के जरिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ने की तरफ तो काम ही हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि खेतीबाड़ी में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ग्रामीण इलाकों में आप देखें कि खेतीबाड़ी और पशुपालन वो एक तरह से महिलाएं उसका आधार है, तो किस तरह से उनको एक ट्रेनिंग मिले, वो एक कृषि सखी के तौर पर काम कर पाए, इससे हम देखेंगे कि खेतीबाड़ी भी बेहतर होगी और महिलाओं को आर्थिक तौर पर कुछ सहायता भी मिलेगी। तो उस दिशा में आज ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है केंद्र सरकार, जब 30,000 ऐसे कृषि सखी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो आज का दिन केवल काशीवासियों के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए बहुत अहम रहने वाला है। बाकी आप जानते हैं कि किसान सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ धाम जाकर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, तो ये आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। निश्चित तौर पर इस शाम को ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि बहुत धूप है, हम जानते हैं दिन में इस वक्त उत्तर भारत में कड़ी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये जो किसान सम्मेलन है उस शाम को इसको रखा गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, तो एक तरह से पूरी तरह से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलते आई किसान सम्मान निधि जैसी योजना। शाम का कार्यक्रम है लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से देश भर के किसान इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। कैसे लगता है आपको कि यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को भी उस तरह से प्राथमिकता दी गई है? स्वयं सहायता समूह के जरिए जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास रहा, अब उसमें कृषि सखी भी एक और आयाम जुड़ता हुआ नजर आएगा, और उनसे भी प्रधानमंत्री आज बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जया देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो उसको एक पहचान मिले। हम जानते हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में जो खेती बाड़ी है उसका एक भार वो महिलाओं के जिम्मे होता है, वो आप देखें कि बुआई हो या फिर कटाई हो या तमाम जो कृषि से जुड़े काम है, पशुपालन से जुड़े काम है, वो उसकी एक अगुवाई करती हैं, लेकिन उसको एक पहचान भी मिले और उनको एक ट्रेनिंग मिले जिससे उस अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएं, दूसरे किसानों की किसान परिवारों की मदद कर पाएं, उसके लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत हुई है। लखपति दीदी के जरिए जो स्वयं सहायता समूह में तमाम जो स्थानीय उत्पाद बनाने की बात हो, आर्थिक तौर पर मदद देने की बात हो, वो अभियान तो हम देख रहे हैं चल ही रहा है। ये एक उसका एक विस्तार है जिसमें हम देखेंगे कि कृषि सखी के जरिए महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने की बात है और उनके योगदान को और बेहतर कैसे किया जा सके, उनको उपकरण देके या उनको ट्रेनिंग देके उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो ये लंबे समय में आप देखेंगे कि इसका बहुत क्रांतिकारी असर खेतीबाड़ी में पड़ सकता है और महिलाओं के लिए भी उनके एक एक पहचान की बात है कि वो इस बात को और एक तरह से देखें सामने रखा जाएगा कि खेतीबाड़ी में उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको ट्रेनिंग मिलने से उसको एक फायदा मिलेगा, परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत तो होगा ही, साथ ही साथ खेतीबाड़ी भी और बेहतर हो सकेगी। तो ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है और हम जानते हैं कि मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद देने के लिए तमाम योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। आप शिक्षा में देखें तो बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिले, उस दिशा में हम देख रहे हैं कि तमाम योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं हैं। इसके साथ ही साथ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है ही, बैंकिंग के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, ड्रोन दीदी की बात हम तो जानते ही हैं, ड्रोन की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है जिससे कि वो रासायनिक खाद या फिर जो खेतीबाड़ी से जुड़े जो काम है वो ड्रोन के जरिए कर सकें। तो इस तरह के अभियान आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में ये कृषि सखी एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर देश भर में महिलाएं जो हैं वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही हैं, लेकिन क्या उन्हें वो पहचान मिल रही है जिसका एक प्रयास यहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए, और कृषि सखी के रूप में एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी जब तमाम महिलाओं को वो ट्रेनिंग मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा कि वो और भी बेहतर तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ सकें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH क्यूरियोसिटी can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Dr. Ortho Oil ke regular massage se joint healthy rehte hain. Aur agar problem bahut purani hai to Dr. Ortho capsules saath lena na bhule. Ab dard bhi ghutne tekega. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फिर से अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास उनसे मिलने पहुंचे, जहां तीनों नेताओं के बीच में बैठक चली। माना जा रहा है कि बैठक में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि अगस्त 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने मानहानि मामला कोर्ट में दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था। इस साल फरवरी में राहुल गांधी के कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल कूचबिहार का दौरा किया। टीम के सदस्य ने हर एक की बात सुनी। कमेटी के सदस्य समर्थकों का हाल देखकर दंग रह गए। किसी के पेट में चोट है तो किसी के सिर पर पट्टी बंधी है, कोई व्हील चेयर पर है तो कोई बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। ये टीम आज दक्षिण 24 परगना का दौरा करेगी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलेगी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में टीम खास तौर पर डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। भाजपा के इस 4 सदस्यीय दल में संयोजक बिप्लब देव, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और 2 राज्यसभा सदस्य ब्रिजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल पटरियों को सही करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। आज सुबह रेलकर्मी पटरियों को सही करने के काम को तेजी से पूरा करते हुए दिखाई दिए। सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच सोमवार को ही टक्कर में 2 रेलकर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर भी शामिल हैं। इस हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार शाम को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने समीप के अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से भी मुलाकात की। और पश्चिम बंगाल में कल हुई ट्रेन हादसे के बाद रिस्टोरेशन का काम लगातार चल रहा है। इलाके में बारिश के बावजूद काम जारी है। इसी काम का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक सिंह ने। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच कल तकरीबन 24 घंटे पहले जो भिड़ंत हुई थी
उसके बाद से रिस्टोरेशन का काम किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर चालू है ये आप दूरदर्शन न्यूज के जरिए ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं। मेरे पीछे आप एक टावर वैन देख रहे हैं जिसके ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं। आप उस पे ये जो OHE है यानी जो केबल जो जा रहा है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है उस केबल को लगाने के लिए उस वो क्योंकि टक्कर के बाद इसने भीषण एक्सीडेंट के बाद ये पूर्ण रूप से टूट गया था उसके बाद से OHE केबल का काम किया जा रहा है। जो नई पटरियां हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो नई पटरियां हैं और जो स्लैब है उनको भी जो है यहाँ पर जो है उनको भी रात भर बारिश के बावजूद जो है वो यहाँ पर उनको भी रिस्टोर किया गया उनको यहाँ पे लगाया गया। पूरा रेलवे का जो मैन फोर्स है वो इसमें लगा हुआ है जितने रेलवे के यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 24 घंटे से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं बारिश भी हो रही है लगातार उसके बावजूद यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के माध्यम से कि आप देखिए थोड़ा बहुत जैसे ही उनको थोड़ा समय मिलता है वो कुछ यहीं पटरियों पर ही बैठ के वो खा भी रहे हैं और यहीं पर वो काम भी कर रहे हैं यानी कि लगातार एक तरीके से जो प्रयास है रेलवे का कि सबसे पहले ये अपलाइन की जो गाड़ी है आप देख रहे हैं कि अपलाइन को चालू किया जा चुका है। इधर से भी OHE का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी तक जो है इलेक्ट्रिक इंजन जो है उसको फिलहाल इस रूट पर शुरू नहीं किया गया लेकिन जो डीजल इंजन की गाड़ियां है अब की वो जा रही है और ये डाउन लाइन है जिस लाइन पे मैं इस वक्त आपको नजर आ रहा हूँ इसे ये डाउन लाइन है इसका भी काम पूरी तरीके से कर लिया गया इसके OHE का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है और ये डाउन लाइन पे भी अब उम्मीद है कि तकरीबन आधे घंटे एक घंटे के अंदर इसके ऊपर से भी गाड़ियां गुजरने लगेंगी। कैमरामैन शारदा के साथ अभिषेक सिंह डीडी न्यूज। और बीती रात भी डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह ने NDRF के सेकंड कमांडर इन चीफ VN पराशर से बातचीत की उनसे रेस्क्यू को लेकर की जा रही कवायद के बारे में जाना। हमारे साथ घटनास्थल पर मौजूद है NDRF के सेकंड इन कमांड VN पराशर जी। VN पराशर जी जो स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त अंदाज लगा सकते हैं क्या हुआ होगा लेकिन आपने आंखों देखा है क्या स्थिति रही होगी। जब हमारी तीनों टीमें पहुंच गई थी जैसे ही हमें ऑर्डर मिला इमीडिएटली हमारी टीमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स के साथ यहां पहुंची और उन्होंने आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और बड़े ही ट्रेंड तरीके से उसको अंजाम दिया और जो डेड बॉडीज थी उनको निकालने में पूरी मदद की सफलतापूर्वक उसको निकाला और जो इंजर्ड लोग थे उनको भी निकाल करके इमीडिएटली एम्बुलेंस की तरफ से उनको हॉस्पिटल में भिजवाया। क्या चुनौती रही किस तरीके का जो कंप्रेशन रहा जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियों का हो या फिर मालगाड़ी के इंजन का हो किस तरीके के चैलेंजेस किस तरीके का रहा आप लोग? इंजन में लोकोमोटिव ड्राइवर्स जो थे उनको थोड़ी सी निकालने में असुविधा हो रही थी क्योंकि जो जिस हिसाब से फंसा हुआ था अदरवाइज सफलतापूर्वक मेरी टीम ने पूरा काम किया। क्या स्थिति रही थी उस समय जब आप लोग रेस्क्यू? जब हमारी टीम पहुंची सबसे पहले उन्होंने आते ही स्थिति को देखा और जो कैजुअल्टी हुई थी उनको इमीडिएटली निकालने के पूरे प्रयास करते रहे और सफलतापूर्वक उन्होंने निकाला। इसके साथ साथ जो इंजर्ड्स थे उनको हेल्प करते हुए और उनको बाहर निकाल करके एम्बुलेंस के माने स्ट्रेचर के द्वारा लेके गए और एम्बुलेंस में बैठाया और फिर फर्दर उनको हॉस्पिटल की तरफ मार्च करा दिया था। जो पीछे की तीन बोगियां बताई जा रही है कंचनजंगा एक्सप्रेस की वो तीन बोगियां कौन सी थी जो डिरेल हुई थी? तीन या पांच बोगियां? उसमें दो वैगन जो कोचेस थी लगेज वाला था और एक गार्ड का डब्बा था। वो गार्ड का जो कमरा था उसमें गार्ड की क्या स्थिति रही जो उनके? उनको भी चोट लगी हुई थी और वो कैजुअल्टी उनकी भी हो चुकी थी। उसके आगे की बोगिया जनरल बोगिया थी या फिर स्लीपर या फिर AC बोगिया? स्लीपर कोचेस थे। उसमें भी इंजर्ड थे लोग? जी हाँ वहाँ से इंजर्ड थे उनसे भी निकाला गया। धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो जैसा आपने सुना जो इम्पैक्ट था चूंकि मालगाड़ी की स्पीड थी और ये जो ट्रेन है कंचनजंगा ट्रेन वो जो है सिग्नल के पास धीरे धीरे क्रॉस कर रही थी ऐसे में मालगाड़ी को जो जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो आके पीछे से डैश करती है और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि लेकिन दो पार्सल वैन कंचनजंगा के पीछे होने के कारण जो नुकसान है जो जान माल का नुकसान है वो बहुत ही कम रहा। ये एक आप कह सकते हैं एक सुखद बात है लेकिन
जो भी हुआ इस हादसे के अंदर, जो कैजुअल्टी हुई उसको लेके भारत सरकार, भारतीय रेल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने के जो प्रयास है वो यहाँ ग्राउंड पर देख सकते हैं आप, कि किस तरीके से सब कुछ क्लियर करने के बाद अब रेस्टोरेशन वर्क अप लाइन को क्लियर किया जा चुका है, यानी कटिहार से लेकर के दिल्ली जाने वाले लाइन को क्लियर किया जा चुका है। अब जो डाउन लाइन है इसको, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ये मेन लाइन है, इसके ऊपर अगरतला तक जाने वाले इस लाइन को क्लियर करने की कवायद किस तरीके से चल रही है। कैमरामैन शारदा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में ट्रेनों के सामान्य परिचालन के लिए देर रात ही कवायद शुरू कर दी गई थी। अपलाइन डाउनलाइन के सुचारू रूप से संचालन पर पेश है डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। सुबह 8:30 बजे जो ये भीषण दुर्घटना हुई है उसकी एक तस्वीर ये है, और जिस तरीके से घायलों को निकाला गया, जो कैजुअल्टीज हुई उनको जिस तरीके से एक्सग्रेसिया दिया गया, उसके बाद की ये दूसरी तस्वीर मैं ये भी दिखाना चाहूंगा। ये अप लाइन है जिसपे आप ये मालगाड़ी का परिचालन देख पा रहे हैं। ये वो ट्रेन है जिसे एक तरीके रिस्टोर कर दिया गया है, यानी कि एक रूट जो है जो डाउन लाइन उसे खोलने की जो है वो कवायद युद्ध स्तर पर जारी है भारतीय रेलवे की ओर से। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक मालगाड़ी है जिसे क्रॉस किया जा रहा है। ये मालगाड़ी जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी से होते हुए जो आगे कटिहार बिहार होते हुए जो आगे के रूट पे जहां जो इसका गंतव्य स्टेशन है वहां के लिए जा रही है। अप लाइन को पूरी तरीके से शुरू किया जा चुका है, इसका रेस्टोरेशन वर्क मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसकी पटरियों से लेकर के जिस भी जो भी काम है वो सारा किया जा चुका है। अब सिर्फ जो बारी रह गई है वो डाउन लाइन की बारी रह गई है, यानी कि डाउन लाइन जो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट को लिए उत्तर पूर्व भारत के लिए जो जाती है उस डाउन लाइन पे, और इसकी स्थिति आप इंजन के देख सकते हैं। लेकिन रेलवे का ये दावा है कि सुबह होने से पहले, मतलब कि सूरज निकलने से पहले इस लाइन को भी शुरू कर दिया जाएगा। कितना भीषण हादसा था आपने देखा, जो कैजुअल्टीज भी देखी आपने, इंजर्ड को भी देखा। रेल मंत्री लगातार यहाँ कैंप करके जिस तरीके से उन्होंने काम को किया, घायलों से मिले, रेस्टोरेशन वर्क को लिया, उसकी समीक्षा की, उसकी बैठक की, उसके बाद वो सारा कुछ देख करके यहाँ से निकले, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। कैजुअल्टी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर, जो सबसे बड़ी बात है, जो समय पर जिस तरीके से भारतीय रेल ने, एनडीआरएफ ने, स्थानीय लोगों ने, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके से मदद की, वो एक बहुत बड़ा हेल्प रहा यात्रियों के लिए। कैमरामैन सारदा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। तो बेहद दुर्घटना, दुखद ये हादसा, 9 लोगों की इसमें जान गई, लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा रिस्टोरेशन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, आवाजाही शुरू करने की पूरी कवायद जारी है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MBH, MBH। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर जल संकट गहराता जा रहा है। ये संकट दिल्ली के वीआईपी इलाके तक भी पहुंच चुका है। एनजीएमसी के मुताबिक अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। पानी की समस्या को राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी ने और भी प्रचंड बना दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसी सिलसिले में वजीराबाद बैराज का निरीक्षण भी किया है। जल संकट पर सियासत भी तेज हो चुकी है। दिल्ली की आप सरकार जहां हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस इसे आपकी नाकामी बता रही है। ओखला में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग पूरा पूरा दिन पानी के टैंकर का ही इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में तो टैंकर भी नहीं आते, ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। बहुत समस्या है यहाँ पे पानी को लेके। दिन में कितने टैंकर आते हैं? ये सुबह सुबह 2-3 ही टैंकर आते हैं पूरे अंदर, बहुत कॉलोनी में
कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता ना, सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये दो तीन ही टैंकर आते हैं यहाँ पे, किसी को एक टंकी मिला, किसी को दो टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पर कब जाएंगे? पानी को लेकर बच्चों की पढ़ाई पे भी, सब पढ़ाई पे, काम पे सब परेशानी है। और देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की वजह से कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से पानी छोड़े जाने को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या वाकई में हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है? क्या है मुनक नहर की वास्तविकता? इसका जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित हरेवली गाँव का, जहाँ से मुनक नहर का पानी दिल्ली में आता है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। जल संकट के लिए जिम्मेदार हरियाणा को भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति, इसका जायजा लेने हम खुद पहुंचे हैं मुनक नहर पर। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये वही मुनक नहर है जिस पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए हुए थे कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मुनक नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और ये पूरा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। हम इस पुलिया पर मौजूद हैं और इस पुलिया से आप मेरे दाहिने ओर देखेंगे तो ये जो रास्ता है दिल्ली की तरफ जा रहा है और दिल्ली की तरफ ये पूरा पानी जा रहा है। आप इसके किनारों को भी देख सकते हैं किस तरह से पानी पूरा भरा हुआ है, पर्याप्त मात्रा में हरियाणा की तरफ से पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर पानी की कमी क्यों हो रही है, जब मुनक नहर के अंदर दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है, तो क्या स्टोर की कमी हो रही है या कोई अन्य वजह है? क्या जो जल प्रबंधन है वो सही से नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को जूझना पड़ रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए? दिल्ली के कई इलाकों में तो जो लोग हैं वो केवल टैंकर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो रखे हैं। जब टैंकर आता है तो वो पानी भरते हैं और उनकी दिनचर्या चल पाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और आप यहां देख सकते हैं कि लगातार जो हरियाणा की तरफ से पानी है वो दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, छोड़ा गया है, लगातार ये सिलसिला जारी है। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जल संकट गहराया हुआ है, क्या वजह है इसकी समीक्षा होना भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन सौरभ बख्ती के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार पर बवाना में पानी की शिकायत करने वालों को धमकी देने का आरोप लगाया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चांदोलिया इस मामले में आज पुलिस से शिकायत करेंगे। इस संबंध में विधायक से पक्ष लेने का प्रयास किया गया परंतु नहीं मिला। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बवाना के विधायक के कार्यालय में वहां के लोग जल संकट को लेकर शिकायत करने आए थे। उन्हें धमकी देते हुए आप विधायक ने कहा, तुम मुझे जानते हो ना, ज्यादा बोलोगे तो ठंडा कर दूंगा। आप विधायकों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है वो गुंडई चरित्र है, लोगों को धमकाना, अवैध कारोबार करना और गुंडागर्दी करना। जय भगवान उपकार, उनके कार्यालय पर जनता पानी की समस्या लेके जाती है और वो उस समस्या उठाने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि मैं तुझे एक मिनट में ठंडा कर दूंगा। और ये पहली बार नहीं है, प्रकाश जारवाल हम बार बार कहते रहे हैं कि हत्या के मुकदमे में आरोपी हैं। संगम विहार के विधायक को हमने अभद्रता करते हुए देखा है। ओखला के विधायक लगातार अपनी गुंडई की वजह से चर्चा में रहते हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी या ऐसे अनेक नाम जिसमें आज एक नया नाम जय भगवान उपकार का जुड़ा है। पानी का संकट दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा संकट है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को पानी देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार का, उनके विधायकों का था। तो हमारे उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया उनके इस बयान को आधार बनाकर पुलिस में FIR दर्ज भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिन से रेड अलर्ट चल रहा है और आज के लिए भी यही स्थिति है। दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से 5 या 6 डिग्री अधिक चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 19 से 21 जून के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम थोड़ा करवट लेगा। तेज आंधी के साथ पंजाब में तेज, जबकि शेष राज्यों में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज यूपी और बिहार के कई हिस्सों में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ साथ आज जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी के बीच देश के कुछ राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु के पुदुकोटई में तेज बारिश हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के भी कई हिस्सों में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उड़ीसा के भुवनेश्वर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद में भी तेज बारिश से लोगों को इस भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ साथ असम में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ के पानी ने 14 जिलों के 309 गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। बराक घाटी में करीमगंज सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जिसके 192 गांव प्रभावित हैं और 95,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ग्रस्त जिलों में करीमगंज, बोंगाई गांव, तामुलपुर, लखीमपुर, उदलगिरी, दारंग, धेमाजी, नांगांव, होजाई, चिरांग, बारपेटा, बक्सा, नलबाड़ी, गोलपाड़ा शामिल हैं। करीमगंज में स्थापित 14 राहत शिविरों में फिलहाल 3,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। दूसरी ओर नागांव के कामपुर में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई आज नीट के 4 परीक्षार्थियों से पूछताछ करेगी। पटना में होने वाली इस पूछताछ से पहले बिहार पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही ये टीम आज दिल्ली भी रवाना हो सकती है। यहां आकर ये टीम एनटीए के अधिकारियों से पटना में जले हुए प्रश्न पत्र जैसे और भी कई अहम सबूत मांगेगी। दरअसल कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिए गए। इसके बाद इकाई ने फैसला लिया कि एक विशेष टीम को दिल्ली भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नीट परीक्षा धांधली मामले की जांच आर्थिक अपराध कर रही थी। पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस ने किया था। असम के उदलगुरी में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा। इस मामले में उदलगुरी थाने की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पुष्किन जैन ने बताया कि छापे में AK सीरीज राइफल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया। साथ ही दोषियों पर लीगल आर्म्स के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज उदालगुरी असम में हमको दिन में एक खबर मिला था पुलिस को कि 2 लोग लीगल हथियार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएटली उदालगुरी पुलिस की टीम ने जाके उनको अरेस्ट किया। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि शांतिपुर गांव में एक घर में उन्होंने हथियार और एम्युनिशन को छुपा के रखा हुआ है। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पर गई और हमने वहाँ से एक AK-56 राइफल, एक मैगजीन और 668 राउंड्स ऑफ लाइव एम्युनिशन सीज किए हैं। इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है लीगल आर्म्स का एंड उसके अलावा 2 के लोग को अरेस्ट भी किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, जैसे कुछ प्रोग्रेस होगी हम आपको अपडेट देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रानी लक्ष्मीबाई, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा,
शौर्य साहस व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई जी को उनके बलिदान दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने देश में क्रांति भावना जागरूक की और भारत की नारी शक्ति का लोहा मनवाया। अपने असाधारण रणकौशल से रानी लक्ष्मीबाई जी ने बर्बर अंग्रेजी शासन के दांत खट्टे कर संपूर्ण विश्व में माँ भारती के गौरव को पुनर्स्थापित किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली रानी लक्ष्मीबाई जी का त्याग व समर्पण सदैव प्रेरित करता रहेगा। गृहमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। गोवा रेवोल्यूशन डे के मौके पर पणजी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। गोवा क्रांति दिवस राज्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। 1946 में इसी दिन इस क्षेत्र के लोगों ने पुर्तगालियों से अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए एक व्यापक क्रांति की शुरुआत की थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MMM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अब समय है योग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को योग के प्रति लगातार जागरूक करते रहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ऐसे में इससे पहले PM ने सोशल मीडिया पर रोजाना वो अलग अलग योगासनों के वीडियो साझा कर रहे हैं। आज PM ने उष्ट्रासन का वीडियो साझा किया है। उष्ट्रासन पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से विशेष योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। NDFC ने इसी क्रम में दिल्ली के लोधी गार्डन, तालकटोरा और नेहरू पार्क में विशेष योग सत्रों की शुरुआत की। ये सत्र यहां 21 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के लिए NDFC ने अलग अलग योग संस्थाओं से अनुबंध किया है। NDMC की ओर से विशेष योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। योगा डे है 21 जून का, इसके लिए तो ये 18 से 21 है, लेकिन हमारी क्लास कंटिन्यू चलती है लोधी गार्डन में योग स्थल पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक। यहाँ डेली 75 से 100 लोग योग करने के लिए आते हैं। मोदी जी ने हम सबके लिए जो ये योगा के लिए जागृत किया है, वो अब देश के हर एक कोने में योगा का बहुत प्रचलन है। तो हमें कहीं कहीं से भी ये नहीं नजर आता कि कोई योगा में इंटरेस्ट नहीं है। हम हर गली, हर कॉर्नर, हर जगह देखते हैं तो सबों में योगा करने की बहुत इच्छा है और सभी करते हैं। तो हमारा यहाँ पे तालकटोरा गार्डन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। हम ये चाहते हैं और हमारा देश भी यही चाहता है कि अगर मन प्रसन्न है तो तन प्रसन्न है। अपने मन को सुखी, खुश और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने शरीर को भी
सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रखना पड़ता है, और उसी की एक सूत्रधार है योग। हम अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने घर के प्रति और अपने प्रति कितने लॉयल हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने सीरियस हैं, कितने जागृत हैं, ये हमारा देश हमें समझा रहा है। योगा जो ऐसी चीज़ है जिससे आपका तन मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है, आप इससे दिन भर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और आपको हर तरह के जितना आपका शरीर निरोगी होता है, आप इतनी जितने क्रोनिक डिजीजेज हैं इनसे दूर होते हैं, और जिस तरह की आपको बीमारियां हैं कभी भी आपको किसी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ है। ये स्लो प्रोसेस है मगर ये आपके लिए बेहतरीन के लिए है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि इसका फ़ायदा ही फायदा है, और मोदी जी ने इसके लिए सबको जागरूक किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। ये इंटरनेशनल योगा डे के लिए है बिल्डअप सेशंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ये NDMC गवर्नमेंट इज़ गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, तो अलग अलग वेन्यूज़ पे, अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग ये जो हमारी योग संस्थाएं हैं वो ये प्रोग्राम करा रही हैं, तो मैं इस गार्डन में नेहरू पार्क में, हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के पहले साल से नेहरू पार्क में हम कराते आए हैं योग, और आज ये बिल्डअप सेशन शुरू हुआ है, ये 4 दिन चलेगा और 21 को यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में लोग आएंगे। तो प्रधानमंत्री ने काफ़ी जागरूक किया है लोगों को योग के प्रति, और प्रधानमंत्री लोगों को योग के प्रति लगातार उन्हें जागरूक करने के लिए लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए योग के विभिन्न आसनों का वीडियो साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने आज कौन से आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हो और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हो। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखा आपने कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है, तो जरूर योग को अपनाएं और निरोग रहें।
रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात करें शेयर बाजार की, तो आज फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करते दिखे शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में यहां पर 77,326.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। दूसरी ओर निफ्टी बाजार खुलने के बाद ये 23,573.85 के अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। आज कारोबारी सत्र के दौरान IT शेयरों में बढ़त से बाजार में मजबूती देखने को मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। इसी क्रम में अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान पहले 7.2% कर लिया है। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर नीचे कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही सभी की निगाहें वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट पर केंद्रित हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को इसका समापन होगा। इसके बाद जुलाई महीने में केंद्रीय बजट पेश किए जाने की संभावना है। इसके मद्देनजर बजट पूर्व परामर्श की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बजट पूर्व परामर्श की ये प्रक्रिया अगले 7 से 10 दिनों तक चलेगी और इसके समाप्त होने के समय के आधार पर ही जुलाई के मॉनसून सत्र में बजट को पेश किए जाने की उम्मीद है। इसराइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से संघर्ष चल रहा है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। अब मंत्रिमंडल में इन स्थानों की भरपाई के लिए अलग अलग राजनेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। दोनों कैबिनेट मंत्री पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। इसराइल की वॉर कैबिनेट में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इसराइल पर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद इसराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट का गठन किया था, जिसमें शामिल होने वाले नेताओं में नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष बेनी गेट्स का नाम प्रमुख था, लेकिन गेट्स ने पिछले सप्ताह वॉर कैबिनेट से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके साथ ही गैंट्स ने वॉर कैबिनेट पर्यवेक्षकों में शामिल गाड़ी ईसनकोट को अपने साथ ले लिया। ICC T20 विश्व कप में मेजबान वेस्टइंडीज ने अंतिम ग्रुप मुकाबले में अफगानिस्तान को 104 रन से हराने में सफलता पाई। वेस्टइंडीज से जीत के लिए मिले 219 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की पूरी टीम 16.2 ओवर में 114 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन इब्राहिम जादरान ने बनाए, उन्होंने 38 रन की पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 218 रन बनाए। निकोलस पूरन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंद पर 98 रन बनाए। वहीं सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने 43 रन की पारी खेली। साई होप ने 25 और कप्तान पावेल ने 26 रन का योगदान दिया। इस मुकाबले का सुपर 8 पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा, जबकि वेस्टइंडीज अजेय रही। और यूरो कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया। ग्रुप ई के सबसे मजबूत टीम मानी जा रही बेल्जियम को मुकाबले की शुरुआत में ही झटका लगा, जब 7वें मिनट में स्लोवाकिया के इवान श्रांस ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मुकाबले के दौरान 60% के करीब गेंद को अपने कब्जे में रखने वाली बेल्जियम ने बराबरी का गोल करने में काफी प्रयास किया। इस दौरान टीम के प्रमुख स्ट्राइकर लुकाकू ने 2 बार गेंद को होल पोस्ट में पहुंचाने में सफलता भी पाई, लेकिन वीडियो रेफरल में गोल को असामान्य करार दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।